नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो कोर्ट में असिस्टेंट के पद पर निकली बम्पर वैकेंसी, 6 फरवरी से शुरू होगा आवेदन। जी हां, पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट के पद पर बम्पर भर्ती निकली है। इस रिक्रूटमेंट में 550 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। वे कैंडिडेट्स जो इन पद पर आवेदन करने की योग्यता और इच्छुक हैं, वे एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट का पता ये है, patnahighcourt.gov.in। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे और अन्य किसी माध्यम से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आपको बता दें कि इसके लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है। आवेदन 6 फरवरी 2023 से शुरू होगा और अप्लाई करने की अंतिम तारीख 7 मार्च 2023 है। अंतिम तारीख के पहले बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर दें। इस पद के लिए कैंडिडेट के पास किसी भी स्ट्रीम में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है। बिहार को सौगात, अब पटना से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। जी हां, अब बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। अब बिहार में दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। अब राजधानी पटना में भी वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। यह ट्रेन पटना से हावड़ा के रूट पर चलेगी। इसके अलावा वाराणसी से गया के रास्ते से हावड़ा के लिए एक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। मालूम हो कि वंदे भारत ट्रेनों की स्पीड अन्य ट्रेनों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अनुकूल अवसंरचना की मजबूती के लिए रेलवे की ओर से विशेष फंड जारी किया गया है, ताकि ट्रेनों की गति को बढ़ाया जा सके। अभी पूर्व मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण रूटों पर ट्रेनों की स्पीड अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 150 से 160 तक करने की तैयारी है। रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार 20 साल बाद आरा में संपूर्ण क्रांति ट्रेन का ठहराव, 3 फरवरी से रुकेगी ट्रेन। जी हां, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तक जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव अब आरा जंक्शन पर होगा। 20 साल बाद यह ट्रेन 3 फरवरी को आरा में रुकेगी। बता दें कि दिल्ली के लिए यह अच्छी ट्रेन मानी जाती है। इसे आम जनता की राजधानी भी लोग कहते हैं। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का आरा जंक्शन पर ठहराव नहीं था। इसके ठहराव के लिए लोग बार बार आवाज उठा रहे थे, लेकिन इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस बार आरा वासियों की मांग पर रेल मंत्रालय की नजर गई और 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर इसका स्टॉपेज आरा जंक्शन पर देने का फैसला लिया गया। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के ठहराव के लिए मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। अब इस ट्रेन के ठहराव की हरी झंडी मिल चुकी है। रेल मंत्रालय के इस आदेश के बाद लोग काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि आरा जंक्शन सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला स्टेशन है, लेकिन यहां इस ट्रेन का ठहराव नहीं था। इसे लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों ने DRM से लेकर रेल मंत्रालय तक को पत्र लिखा था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब रेल मंत्रालय ने ठहराव का आदेश दे दिया है। यह आरा वासियों के लिए बेहद खुशी की बात है। बिहार में अब नहीं होगा कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस की मांग पर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। बिहार में राज्य मंत्री परिषद का विस्तार तत्काल टाल दिया गया है। राजद कोटे से 2 मंत्रियों के इस्तीफे और कांग्रेस की ओर से हिस्सेदारी की मांग के बीच यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के बाद कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। गुरुवार को राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि तत्काल कैबिनेट का विस्तार नहीं होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस की मांगों को लेकर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। फिलहाल कैबिनेट का कोई भी विस्तार नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस बात की चर्चा कहां से निकलकर सामने आई है। तेजस्वी यादव ने आगे यह कहा कि मैं यह साफ कर देता हूं कि अभी इसको लेकर गठबंधन के अंदर कोई भी बात नहीं हुई है। विशेष राज्य के दर्जे पर छलका सीएम नीतीश का दर्द, बोले दर्जा मिलता तो तेजी से होता बिहार का विकास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है। आज समाधान यात्रा के तहत सहरसा पहुंचे हुए हैं। आज सीएम नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। सहरसा में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आम लोगों से सीधे संवाद किए। फिर सीएम नीतीश कुमार वल्हापट्टी पंचायत भवन का निरीक्षण करके तालाब में मछली और बतख भी छोड़े। इसके बाद सहरसा में सदर अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण भी किया। सहरसा में सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की मांग को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। हम लोग
लगातार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिया ही नहीं जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश में बिहार जैसे कई पिछड़े राज्य हैं, जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता तो और तेजी से काम किया जाता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और तेजी से विकास होता। इसके बाद सीएम ने मीडिया से कहा कि जब पिछड़े राज्यों का विकास होगा तभी न देश का भी विकास होगा। बिहार की यातायात व्यवस्था में होगा सुधार। परिवहन विभाग में बीपीएससी से पास 83 नए एमवीआई को दी जाएगी जिम्मेदारी। बिहार में अभी एक एक एमवीआई को 2 से 3 जिलों का प्रभार दिया गया है, इस कारण उन सभी जिलों में काम कराने में लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन अब हर जिले में बीपीएससी से पास 83 एमवीआई को जिम्मेदारी दी जाएगी। परिवहन विभाग के राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने कहा है कि 7 फरवरी तक नए एमवीआई को मुख्यालय में योगदान देना है, इसके बाद राज्य में कुल 112 एमवीआई हो जाएंगे। परिवहन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक सभी नवनियुक्त एमवीआई की प्रोबेशनरी अवधि 2 वर्षों की होगी और उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेगा संख्या के अनुसार होगी। परिवहन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड व संस्था से सत्यापन और चरित्र का पहले से दिए गए सत्यापन से यदि कोई गलत रिपोर्ट प्राप्त होती है तब संबंधित एमवीआई की सेवा को तत्काल प्रभार से रद्द कर दिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अब मैट्रिक के तर्ज पर होगी 9वीं की वार्षिक परीक्षा। विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए हुआ बदलाव। मैट्रिक के पैटर्न पर ही 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा बिहार बोर्ड आयोजित कर रहा है। परीक्षा 24 से 28 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रैक्टिकल की परीक्षा 1 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मैट्रिक में स्टूडेंट्स की मेगा को निखारने के लिए शुरू की गई है। दोनों पालियों में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र को पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा। दृष्टिबाधित और दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी गई है। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान के स्थान पर संगीत व गणित के स्थान पर गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। मुंबई की तर्ज पर पटना नगर निगम भी बाजार में लाएगा अपना बॉन्ड, धन जुटाने में मिलेगी सहायता। लखनऊ और मुंबई नगर निगम की तर्ज पर अब पटना नगर निगम भी अपना बॉन्ड बाजार में लाएगा। बॉन्ड के माध्यम से निगम को विकास कार्यों के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। इसे लेकर पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में धन जुटाने के लिए पटना नगर निगम भी बाजार में बॉन्ड लाएगा। इससे उसे विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने में सहायता मिलेगी। पटना नगर निगम के पास अभी राजस्व का एकमात्र प्रमुख स्रोत संपत्ति कर है, इसके कारण उसे अक्सर धन की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाजार में बॉन्ड उतारकर इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। मेयर ने बॉन्ड जारी करने से पहले निगम के कामकाज में पूरी पारदर्शिता लाने और इसके प्रबंधन को और मजबूत बनाकर निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने की बात कही, ताकि बॉन्ड को लोग हाथों हाथ ले। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में पहल की जाएगी। बिहार के मनरेगा मजदूरों की हाजिरी के नाम पर अब फर्जीवाड़ा नहीं होगा। सभी मजदूरों की अब बायोमेट्रिक की हाजिरी दर्ज कराई जाएगी। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के उपयोग से न केवल फर्जी हाजिरी लगाकर पैसे निकालने पर रोक लग सकेगी, बल्कि काम के घंटे का भी सही आकलन हो सकेगा। इससे सही मजदूरों को उनके सही काम के घंटे का भुगतान हो सकेगा। साथ ही भ्रष्ट तरीके से मनरेगा में चल रहे फर्जीवाड़े के से सरकारी राशि के दुरुपयोग पर भी रोक लगेगी। सूबे में 92.72 लाख सक्रिय मजदूरों की बायोमेट्रिक से हाजिरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। एमटीएस के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने अपना एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत आयोग के तरफ से आगामी परीक्षाओं की तिथि और भर्ती की जानकारी दी गई है। इस कैलेंडर के अनुसार 17 जनवरी से एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से 17 जनवरी से मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसको लेकर सभी योग्य अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास किया जाना जरूरी है। वहीं आयु की बात करें तो 18 से 27 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार छूट दी जाएगी।